आज बोधगया में पीटीएमसी ऑफिस में नेशनल मंडी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी और रिंछेन लामू जी जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर हैं नेशनल मंडी कमीशन के और बिहार सरकार की तरफ से एडिशनल डायरेक्टर राहुल कुमार जी का काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ। विशेष करके ये जो बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए और जो बोधगया में जो इस कानून के आधार इस एक्ट के आधार पर जो 9 मेंबर में 4 बौद्ध और 4 अन्य धर्म के हैं हिंदू है वो भी ब्राह्मण है तो हम तो इनको पूरे कमेटी में पूरा पूरी बौद्ध हो ये हमारी पूरी एक ही मांग रखी है और संसार में किसी भी धर्म स्थल का धर्मस्थल उसी धर्म के लोग ही संचालन करते हैं और उन्होंने भी माना ये पक्की बात है तो मैं निश्चय इसमें कराऊंगा और कल गवर्नमेंट के साथ और इसमें व्यापक चर्चा होगी और निश्चय इसमें बौद्धों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा इन्होंने आश्वासन मिली है और हम लोग इसमें उनको शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने आके एक अच्छा माहौल पर एक डिस्कशन की है और सकारात्मक हम लोग जो निर्णय बोध के हित में रहेगी ये हम लोग आशा रखते हैं और अच्छी मीटिंग हुई है और हम लोग 2-4 दिन बाद फिर एक रिजल्ट हमको सामने दिख पाएंगे। हमारे साथ मखदमपुर के विधायक भी थे वो भी साथ में हमारे साथ में थे इस प्रकार से जब्बू लामा जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अध्यक्ष यहाँ पर हमारे प्रगतिशील भांते जी इस प्रकार से सत्यनंद भांते जी बिहार के कमेटी का अध्यक्ष प्रकाश बौद्ध जी वाइस प्रेसिडेंट हमारे बाली पासवान जी के बौद्ध जी देवनंदन जी वैशाली से मनोज जी इस प्रकार सभी हमारे धम्म मित्र सभी आए थे तो काफ़ी अच्छी वातावरण में बात हुई और निश्चय एक सकारात्मक रिजल्ट जरूर आएगा बौद्धों को। इसी प्रकार से हम एकता में बांधी रहे और हम लोग शांति से करुणा से हम लोग डिमांड रखे हैं और एक अच्छा रिजल्ट का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। धन्यवाद। और यहाँ पर श्री आंसू का किरण एक जगह है कि उन्होंने बोला है कि ये बात प्राइम मिनिस्टर का कानून तक पहुँचा देंगे पहुँच गया। हम लोग पूरे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोग और पॉलिटिकल सामाजिक वर्कर हम लोग माइनॉरिटी कमीशन से 2 महीना पहले हम लोग गए थे दिल्ली में मुलाकात करने और हमने बीटीएमसी एक्ट 1949 को रिवील करने के लिए इनसे अपील की थी और हम लोगों ने कहा था कि आप स्वयं इसकी जांच कर लीजिए तो एक सकारात्मक है कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन स्वयं और उसके मेंबर्स लिंचिंग लामा जी हाँ वो स्वयं आई और उन्होंने बौद्ध मंदिर का अवलोकन किया सारे ऐतिहासिक तथ्य को उन लोगों ने समझा और हमारे सारे डेलीगेट्स जितने मेंबर्स थे हमारे मेंबर्स के साथ में उनकी लंबी बातचीत हुई और उन्होंने बौद्ध मंदिर के इतिहास को समझा 1949 बीटीएमसी एक्ट किन परिस्थितियों बना उन तमाम चीज़ों को समझा और उन्होंने भी फील किया कि अब वो वक्त चला गया कि जब किसी धार्मिक संस्थान में किसी दूसरे धर्म का हस्तक्षेप हो और उन्होंने कहा कि ये बात स्ट्रांगली प्राइम मिनिस्टर से फिर से मैं जाकर डिस्कस करूँगा और प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और उनसे अपील भी वो जाकर के उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों के कि हम जाकर कहेंगे कि बुद्ध मंदिर बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए और नीतीश कुमार जी से भी बात माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन स्वयं उन्होंने इंटरेस्ट लेकर के करने की बात की है तो हम लोग की उम्मीद है कि एक बड़े लेवल पर ये प्रयास होगा। ये जो समस्या है बौद्धों की सबसे बड़ी समस्या आज कि देखिए पूरी दुनिया के बौद्ध इसका समाधान और रास्ता निकलेगा और बहुत जल्द बीटीएमसी एक्ट 1949 निरस्त होगा और पूर्ण अधिकार बौद्धों को होगा यह हमें उम्मीद है। आज बहुत ही सकारात्मक माहौल में बात हुआ है और हम लोगों ने चेयरमैन को ये बात बताने में सक्षम हुए कि यहाँ पर जो हो रहा है काफ़ी गलत हुआ है और जिस तरह से एक भ्रम का स्थिति पैदा किया गया था यहाँ पर ये जो यहाँ पर बौद्ध विहार में शिवलिंग है या भगवान बुद्ध कृष्ण का अवतार है ये सब जो हम लोगों ने उसको सही तरीके से बड़े ऐतिहासिक तथ्य के साथ हम लोगों ने प्रस्तुत किया है कि
बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का कोई समानता नहीं है और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता और हिंदू धर्म का ये जो महंत का जो अतिक्रमण है बौद्ध ये बौद्ध स्थल में इसको शीघ्र से शीघ्र हटा जाए और ये जो BTMC एक्ट ने जो एक 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 जो एक अत्याचार जो किया है इसको जल्दी से जल्दी संशोधन किया जाए, इसको जल्दी सुधार किया जाए और BTMC के एक्ट को संशोधन नहीं पूरा रिपील करके इसको निरस्त करके पूरा ये जो बौद्ध स्थल है बौद्धों को हाथ में दिया जाए ताकि हम लोगों ने इसको सही ढंग से संचालन कर सके। हमने देखा है श्रीलंका में जो अनुराधापुर में यहाँ से बौद्ध वृक्ष का को एक सैपलिंग अशोका के बेटी संगमित्री ने जाके वहाँ पर लगाया था वो पेड़ अभी भी वहाँ पर है और श्रीलंका सरकार ने इसको इस तरह से सुरक्षित रखा है कि उस पेड़ का आसपास 1 किलोमीटर के जगह पर कोई अतिक्रमण नहीं है, एकदम सफा एकदम रखा है वो। और जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है ये इससे दिखाता है कि इसका रखवाली में यहाँ का जो अभी का जो वर्तमान संचालन कमेटी उसका कोई केयर नहीं है, उसका कोई इच्छा भी इसका इच्छा शक्ति दिखाई देता है। तो ये अगर ये हम लोग को बौद्धों को हाथ में आ गया तो जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है इसको भी हम लोग